के घर से बाहर निकाल दिया महाराज। हाँ महाराज, महाराज क्या कह रहे हो? हम सही बात है महाराज। कहीं तू मेरा मजाक क्यों नहीं कर रहा भाई? नहीं महाराज, मैं अपने आंखों से देखा हूँ महाराज। और बीच में अपना कुमार घर से बाहर निकाल दिया जी महाराज। किस बात में? अभी तो मेरा पता ना सर महाराज। अभी रखना है क्या? हमारा घर में तो नहीं है महाराज। जाओ दबारी क्या हो तो वोट डालो, देखो अभी रखना है कहाँ। Thank you.
Oh, my God.
खुशी मनाते हुए ये नहीं समझ पाई ईश्वर करके उसे बहुत बड़ा क्रोध होगा और बारी कभी दौड़ते हुए आई इतने घोड़े बारी के वेतन की चमड़ी छल्ली छल्ली कर दी और फटे पुराने पहना करके धक्के बार कर इस राग राग से मुझे बाहर निकाल दिए स्वामी राग बाहर निकाल दिए रत्ना बस इस महल में तेरा यही कसूर था कि तू आज एक बच्चे की मां बनने वाली हो और विधवा के कहने पर तू अपना घर छोड़ दिया। मैं सिर्फ आपके पास आई हूं स्वामी यार सिर्फ आदेश ले कहता आदेश कौन सा आदेश स्वामी यार इस महल में मैं एक क्षण रहना नहीं चाहता स्वामी यार अब इस महल में नहीं रहोगी तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुझे कह दू तू मेरा महल छोड़कर चली जाओ मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा अब ये तुम लोगों का नजारा कब से चल रहा है मुझे कुछ तो बता नहीं तीसरा मैं आज तुझे मारी है रत्ना स्वामीनाथ ये कब से वायदा तुम्हारा है बहुत दिनों से चल रहा था लेकिन मैं आपसे छिपाते छिपाते जब अंतिम हो गया है तब आपसे ये खोली हूं आदेश दे मैं एक साल भी इस महल के अंदर रहना नहीं चाहती तू आज एक बच्चे की मां बनने वाली हो और तुम इस हालत में हो और तुम मेरा महल छोड़ चले जाओ अच्छा मत सोच इतना एक बार मैं तुझे आदेश दिया तो तेरे साथ ऐसा हुआ अब तुझे आदेश मैं दे दूं क्या करूं मैं तुझे बार बार यही कहूंगा कि जो कुछ हुआ वो सही हुआ तू ये महल छोड़कर मेरा कहीं तुम नहीं जाओगे रत्ना नहीं स्वामीनाथ अगर दिल करे सुन लीजिए अगर इस महल के अंदर मैं रह जाऊंगी तो कृपा मेरे बच्चे को जान से मार डालेगी स्वामीनाथ जान से मार डालेगी तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा अगर तुम आज मेरा महल छोड़ कर चली जाओगी तो राज्य के लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे लोग हर एक मुसीबत को सहले रत्नायक हर एक जुर्म को सहले लेकिन अपना घर मत भूल रत्ना अपना घर मत भूल नहीं स्वामी अरे हाँ जे रही हूं पाव पड़ रही हूं बस मुझे आदेश दे रत्ना तुम्हारी हर एक बात मैं मानता रहा अगर आज एक बच्चे के लिए तुम मेरा फल छोड़कर जाना चाहती हो मैं तुझे रोक नहीं सकता रुकना क्योंकि मैं उसे भी वचन दिया हूं इधर मैं तुझे भी वचन दिया हो मेरे बारे में तुम दोनों कुछ नहीं सोचा सोचा अब मैं खा जा स्वामीनाथ आपका सब कुछ आपको कहीं नहीं जाना आपका राज दरबार है आपका सिंहासन है बैठ करके विद्वान नहीं है स्वामीनाथ विद्वान नहीं अरे मान सम्मान नहीं है तो विद्वान आना भी ठीक नहीं है इससे बेहतर यह है कि तुम जाओ रखना लेकिन मैं भी आज तुमसे एक बात कह रहा हूं कि तेरे जिस दिन मेरा चौकर तुम छोड़ दोगी उसी समय भी राष्ट्रीय वस्त्र उतार कर राज सिंहासन को सौंप दूंगा और चारों जैसे घूमकर मैं भी अपना जीवन कहीं व्यतीत कर लूंगा नहीं स्वामीनाथ अब राज दरबार मत छोड़िएगा अब मेरा कौन है
तुम्हारे जाने के बाद आज भी मेरा है जाओ रुकना जाओ जाओ कोई भी रहो परमात्मा तुझे की
चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, सामने घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है, चल इसी जंगल में अपनी जिंदगी को आप करोगी। एक रिश्ता स्वामीनाथ से था, उनसे भी खत्म हो चुका है, हार हो चुकी है, मैं सहारे मिल सकती हूँ, किधर जाऊंगी। मुझे जिस तरह बिताइएगा बिताना, मेरे स्वामी नाथ को सलामत रखना,
कैसे जगह में रहोगे, आज कैसे दिन बीतेगा। मुसीबत के दिन बहुत कठिन होते हैं, मुसीबत की घड़ी बहुत अजीब होती है।